नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बॉयफ्रेंड ने दिया धोखा तो उसके घर के बाहर धरने पर बैठ गई प्रेमिका। बोली, चाहे जान चली जाए पर शादी तो इसी से करूंगी। सिंगरौली जिले के नवानगर थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां प्रेमी से शादी करने की जिद में प्रेमिका उसके घर के सामने धरने पर बैठ गई। उसका कहना है कि चाहे जान चली जाए पर शादी करूंगी तो इसी से, लेकिन लड़का शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। युवती का कहना है कि बरगवां पुलिस ने एक बार उसे बुलाकर समझौता भी कराया था। उस दौरान युवक शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन जब शादी करने की बात हुई तो फिर मुकर गया, जिससे उसे मजबूरन प्रेमी के घर धरने पर बैठना पड़ा। शादी की जिद पर अड़ी युवती ने बताया कि युवक के साथ उसका पिछले 3 साल से संबंध है। शादी का झांसा देकर वो उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा और अब वो शादी करने से इनकार करने लगा। युवती का कहना है कि वो थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहती है, क्योंकि उसे थाने का चक्कर नहीं लगाना है। उसकी एक ही जिद है कि वो जिंदा रहेगी तो सिर्फ अपने प्रेमी से शादी करके ही। वहीं युवती की मां का कहना है कि युवक बीते 3 वर्ष से उसकी बेटी से शादी का झांसा देकर संबंध बनाया। उनकी लड़की की बदनामी हो रही है और लड़का शादी करने से इनकार कर रहा है। ऐसे में लड़की से शादी दूसरा कौन करेगा।